नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल स्टडी एचपी पर। तथा यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने यहाँ पर जो है जो टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट की जो है तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो है यहाँ पर सरकार की द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इन्होंने नए पैरामीटर सेट किए हैं यहाँ पर स्किल टेस्ट के हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर द हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट द स्किल टेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द मोड ऑफ सिलेक्शन एडवर्टाइज्ड फॉर सच पोस्ट कोर्स रिक्वायरिंग स्किल टेस्ट इन द कंसर्न एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनके लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट रिक्वायरिंग होती है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर हिमाचल गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल हैज़ इशूड नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने जो है एक नोटिफिकेशन इशू की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके आधार पर जो है यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट जो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो कंप्यूटर लैब है उसमें कंडक्ट करवाए जाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर जो है द सैम्पल कॉपीज ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट इंग्लिश के लिए जो है 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए रहेगी 25 वर्ड पर मिनट। देन शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए इंग्लिश डिक्टेशन रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। देन हिंदी डिक्टेशन रहेगी 70 वर्ड पर मिनट अलॉन्ग विद इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलो ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न आर एज अंडर। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर सैंपल पेपर, साथ में यहां पर आप इनकी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको सैंपल पेपर दिखा देता हूं। ये है टाइपिंग के लिए सैंपल पेपर, जिसमें कि आपको ऐसा पेपर जो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो है टाइपिंग के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पर जो है टोटल 1644 जो हैं यहाँ पर 1644 अल्फ़ाबेट्स हैं तथा वर्ड्स जो हैं वो 329 हैं। तो यहाँ पर आपको जो है 1500 वर्ड 30 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं। यहाँ पर जो है आप इस पूरे पैराग्राफ को 10 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर टाइप करना होता है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हिंदी में जो है उस जो टाइपिंग होती है उसके लिए यहाँ पर 25 शब्द प्रति मिनट आपको लिखने होते हैं। यहाँ पर आप निर्देश दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आप पैराग्राफ देख सकते हैं, ये भी आपको 10 मिनट में यहाँ पर टाइप करना होता है, परंतु इसमें जो स्पीड रहेगी आपकी वो लगभग 25 वर्ड पर मिनट रहेगी। आगे मैं दोस्तों आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो आपकी मिस्टेक आप यहाँ पर कितनी कर सकते हैं तथा यहाँ पर जो है आप अपनी टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यदि आपने JIT के टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी। तथा यदि आपने कोई स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया है तो इसके लिए भी आपके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सैम्पल पेपर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड डिक्टेशन इंग्लिश का। तो इसमें जो है ये जो है आपको दोस्तों टाइम फॉर डिक्टेशन 5 मिनट दिए जाते हैं, टाइम फॉर रीडिंग 5 मिनट्स, टोटल आपके पास 10 मिनट होंगे। तथा टाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स, डिक्टेशन स्पीड आपकी यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट रहेगी। आप यहाँ पर इसका जो है पैराग्राफ दे सकते हैं, इस पैराग्राफ में जो है लगभग 431 वर्ड्स रहेंगे। नेक्स्ट जो है आपका सैम्पल पेपर हिंदी के लिए है, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड डिक्टेशन हिंदी में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का पेपर आपको दिया जाएगा मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा। तथा यहाँ पर जो है कुल शब्द 355 है, तथा आपको जो है यहाँ पर इसकी जो है शॉर्ट हैंड डिक्टेशन जो है आपको 70 वर्ड पर मिनट आपकी यहाँ पर डिक्टेशन स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है कॉल लेटर आपका टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए कॉल लेटर किस प्रकार कैसा होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको जो है ऐसा सा कॉल लेटर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा दिया जाता है, या फिर आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है एडमिट कार्ड ऑफ स्किल टेस्ट एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं ऐसा होगा यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्पीड रहेगी दोस्तों आपकी जो स्पीड रहेगी उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इवैल्यूएशन स्कीम फॉर टाइपिंग टेस्ट, तो यहाँ पर जो है यदि आपके टाइम अलाउट किया जाता है 10 मिनट्स, आपकी क्वालिफाइंग स्पीड रहेगी 30 वर्ड पर मिनट। तीसरे यहाँ पर हम बात करेंगे पेनल्टी फॉर एरर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरर्स एडमिसिबल, यहाँ पर जो है आपको कितनी एरर्स जो है वो आपकी माफ़ की जाएंगी। यदि आप 5% ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप यदि आपने
30 वर्ड मान के चलिए, यदि आपने यहाँ पर 100 वर्ड टाइप किया तो उसमें से यदि आप 5 वर्ड गलत करते हैं तो वो आपके यहाँ पर माफ़ किए जाएंगे। आपकी जो स्पीड है वो आपके जो वर्ड हैं वो 100 वर्ड यहाँ पर आपका गिना जाएगा, यानी कि 5 वर्ड जो हैं आपके माफ़ किए जाएंगे। तथा यदि आप 5% से ऊपर मिस्टेक करते हैं तो आप प्रत्येक मिस्टेक के लिए यहाँ पर जो है 2 एरर्स आपकी काउंट की जाएंगी। चलिए इसको जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ये आपके यहाँ पर फॉर्मूला भी है, ग्रॉस वर्ड्स माइनस पेनल्टी फॉर एरर्स अपॉन टाइम इक्वल टू वर्ड पर मिनट। यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, यदि आप टोटल वर्ड टाइप करते हैं 316 10 मिनट में, जिसमें से कि आप टोटल मिस्टेक करते हैं 23 मिस्टेक आप यहाँ पर जो है करते हैं, तथा आपकी जो है मिस्टेक एग्जेम्प्टेड 5% ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप्ड, तो यहाँ पर जो है आपकी 23 मिस्टेक में से 5% मिस्टेक जो है वो आपकी यहाँ पर माफ़ करी जाएंगी। तो जो होती है यहाँ पर आपकी 16 मिस्टेक्स, 23 में से जो है 16 मिस्टेक्स आपकी माइनस कर दी जाएंगी। रिमेनिंग मिस्टेक आपके पास 7 मिस्टेक बची, तो 7 मिस्टेक जो है आपने 5% से एक्स्ट्रा की हैं तो इनको डबल कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर टोटल 14 मिस्टेक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है आपकी नेट स्पीड काउंट की जाएगी 316 वर्ड्स माइनस 14 वर्ड्स अपॉन 10 मिनट जो है आपका टाइम रहेगा। तो यहाँ पर जो है आपकी नेट स्पीड जो निकल के आ रही है वो आ रही है 30.2 वर्ड पर मिनट, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है, आप यहाँ पर इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं इवेल्यूशन स्कीम ऑफ स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड टेस्ट। आप यहाँ पर जो है इसका जो है अच्छे से रीड कर लें। यदि आपने स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया है तथा यहाँ से आपको जो है स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको जो है एक बार अच्छे से रीड कर लें। तथा यहाँ पर जो है टाइपिंग का मैंने आपको दोस्तों बता ही दिया है क्या क्राइटेरिया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ एग्जाम्पल टू लेकर। यदि आपने जो है टोटल वर्ड्स 316 टाइप किए 10 मिनट में, जिसमें कि आपने 30 मिस्टेक्स की, तो आपकी जो है यहाँ पर 5% मिस्टेक्स यहाँ पर जो है एग्जेम्प्टेड माफ़ कर दी जाएंगी। 316 में से जो है आपकी 5% मिस्टेक्स जो है माफ़ कर दी जाएंगी, जो कि आपकी यहाँ पर 16 बन रही हैं जो कि माफ़ कर दी जाएंगी। आपने जो एक्स्ट्रा मिस्टेक्स की हैं वो की हैं 14 मिस्टेक्स, तो इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और यहाँ पर जो है आपकी टोटल मिस्टेक्स 28 बन रही हैं। तो इसको जो है 316 माइनस 28 अपॉन 10 मिनट्स आपका टाइम बन रहा है। टोटल वर्ड्स आपने 316 लिखे माइनस आपने 28 मिस्टेक्स की अपॉन यहाँ पर जो है 10 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है, तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड बन रही है वो बन रही है 28.8 इक्वल टू यहाँ पर जो है अप्रोक्स 29 वर्ड पर मिनट आपकी जो है यहाँ पर स्पीड बन रही है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है यहाँ पर ये क्राइटेरिया समझ आ गया होगा कि कैसे जो है टाइपिंग स्पीड काउंट की जाती है। तथा कोई भी आपका डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वारी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जो है दोस्तों रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तथा वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल स्टडी HP को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हिमाचल प्रदेश तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आती है वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगी हमारे इस चैनल स्टडी HP पर। तथा कोई भी नोटिफिकेशन आती है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्टडी HP पर जरूर प्राप्त होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तथा मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल दोस्तों, धन्यवाद।